गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। कहते हैं ड्राई ट्रायंगल एबीसी विद बीसी 6, एबी 5, एंगल एबीसी 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल हू साइड्स आर दिस 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो पहले तो क्या हमें ड्रा करनी है, एबीसी ट्रायंगल जिसमें ये दो साइड और एक एंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बीसी ड्रा कर लेते हैं। बीसी कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर ड्रा कर लेते हैं। इसका नेम क्या है, बीसी। आप तो बीसी रखना पड़ेगा क्योंकि गिवन है। फिर क्या कहता है, एबी 5 सेंटीमीटर। लेकिन एबी उसके लिए हम लोग आर्क ड्रा कहाँ करेंगे, उससे पहले हमें एंगल ड्रा करना पड़ेगा। एंगल कौन सा है, देखो 60 डिग्री का, बीच में क्या है बी, तो बी एंगल है ये आपका 60 डिग्री का। तो देखो 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करते हैं, हम लोग कंपास का यूज करेंगे। ये जो फर्स्ट आर्क होगी फिर आपकी, ये आपका 60 डिग्री का होगा। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसके बाद अब देखो ए बी 5 सेंटीमीटर, बी पॉइंट तो पता है, ए इसका मतलब इस पर कहीं ना कहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। और बी पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे हम लोग। ये पॉइंट का नाम आ जाएगा ए, क्योंकि हमें ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो और इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये आपके पास ए बी सी ट्रायंगल बन गई, ठीक है ना, जिसमें एंगल है 60 डिग्री का, बी बी सी 6 हो जाएगी और ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब इसके सिमिलर एक ट्रायंगल और ड्रा करनी है जिसकी साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 3/4 टाइम्स होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एक्यूट एंगल ड्रा कर लेते हैं ऑन अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए। एक्यूट एंगल लेस देन 90, ये एक्यूट एंगल ड्रा कर लिया हमने। इस रे का नाम बी एक्स रख लिया। और अब देखो 3/4 है, 3/4 टाइम जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वो गिवन ट्रायंगल की साइड का 3/4 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा वो देखते हैं 4, तो 4 इसमें से इक्वल आर्क कट करेंगे रे बी एक्स में से। तो अपनी मर्जी से आप ओपन करेंगे कंपास को अपनी सुविधाजनक। और इसमें इतना 1, 2, 3, 4, ये 4 इक्वल आर्क हमने ड्रा कर लिए। इनके नेम क्या है, B1, B2, B3, B4, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। वैसे B से लिखा क्योंकि B से स्टार्ट है ये। फिर क्या करेंगे, देखो 3/4 जो डिनोमिनेटर में है पहले उसको ज्वाइन करना होता है। वैसे भी देखो रेशो लेस देन 1 है तो छोटी ट्रायंगल बनेगी, माना गिवन ट्रायंगल से
स्मॉलर ट्रायंगल। तो पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि डिनोमिनेटर में फोर है, फिर अब बी थ्री से, क्योंकि अब डिनोमिनेटर का है तो अब न्यूमरेटर की बारी आई ना थ्री की, तो थ्री से बी थ्री से हम लोग बी फोर सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। उसका प्रोसीजर बताया था, हम लोग एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। आर्क ड्रा किया अपनी मर्जी से ओपन करके, फिर इसको पहले बी थ्री से जितनी ये कंपास आर्क की जितनी रेडियस की आर्क लगाई उतनी ही रेडियस की बी थ्री से लगाएंगे फिर, क्योंकि डिनोमिनेटर में फोर है, फोर को ज्वाइन किया तो थ्री से। ये आर्क लगा लिया हमने, फिर इसको मेजर करेंगे फर्स्ट वाली को, ऐसे मेजर कर लिया, फिर यहां रख के इसको कट करेंगे, आर्क लगाई तो अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ये इसके पैरेलल आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लो सपोज करो ये सी डैश पॉइंट हो गया, सी डैश से फिर इसके पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल ड्रा करने का तो वही सेम तरीका रहेगा, कोई आर्क ड्रा की उतनी ही ओपन रखें, सी डैश पे रखेंगे, एक आर्क ड्रा की इसको मेजर कर लेंगे, फिर यहां से आर्क लगा लेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास ए डैश, तो ए डैश बी सी डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगी। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी, मैंने ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी तो आपका था 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी 60 डिग्री का, इस ट्रायंगल की हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है ना। ए बी सी 6, ए बी 5 और ये 60 डिग्री का, इस तरह से ये आपके पास 6 सेंटीमीटर थी और ये 5 सेंटीमीटर थी, ये 60 डिग्री का एंगल था। सेकंड स्टेप में फिर हमने क्या किया, एक्यूट एंगल ड्रा किया था, ड्रा एन एक्यूट एंगल विद किसके साथ, बीसी के साथ, विद बीसी ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या, ए, ए के अपोजिट ये हमने एक्यूट एंगल ड्रा किया। स्टेप नंबर थ्री, फिर क्या किया इस पे, ये फोर पॉइंट प्लॉट किए थे, लोकेट लिख लो या ड्रा लिख लो एक ही बात है, लोकेट फोर पॉइंट्स, लोकेट पॉइंट्स लिख लो या फिर लोकेट पॉइंट्स बी वन बी टू बी थ्री बी फोर सच दैट
क्या होने चाहिए, इक्वल बी वन बी 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 वन बी वन बी टू बी टू बी थ्री एंड बी थ्री बी फोर, लेकिन किस पे, ऑन रे बी एक्स, बी एक्स रे पे, ठीक है ना। स्टेप नंबर फोर में देखते, फिर क्या किया, इसको ज्वाइन किया हमने, किसको, बी फोर सी को ज्वाइन, बी फोर सी। स्टेप नंबर फाइव, स्टेप नंबर फाइव में क्या किया, इसके ये पैरेलल ड्रा की गई, थ्रू पॉइंट कहां से, बी थ्री से, थ्रू पॉइंट बी थ्री ड्रा ए लाइन पैरेलल टू किसके, बी फोर सी के, बी फोर सी विच इंटरसेक्ट बी सी एट बी डैश सी डैश, बी सी को किस पे, सी डैश पे इंटरसेक्ट करती है, इसके ये पैरेलल ड्रा की बी थ्री से जो बी सी को सी डैश पे इंटरसेक्ट करती है। स्टेप नंबर सिक्स, फिर हमने क्या किया, सी डैश से पैरेलल ड्रा की इसके ए सी के, तो लिखेंगे थ्रू पॉइंट सी डैश ड्रा ए लाइन पैरेलल टू किसके, ए सी के, विच इंटरसेक्ट ए सी एट ए डैश, ठीक है ना। तो फिर इसको जब जो पैरेलल ड्रा किया तो ये ट्रायंगल बन गई ए डैश बी सी डैश, हेंस ए डैश बी सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये तो हमने ट्रायंगल बना लिया, लेकिन अब इसका क्या करना, जस्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन का, तो देखो कैसे करेंगे फिर, कि जो ट्रायंगल है आपके पास ए डैश बी सी डैश ए डैश बी सी डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ए बी सी के, क्यों है, क्योंकि ये इसके पैरेलल ड्रा की हुई है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो एंगल 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 सिमिलरिटी। तो इसकी साइड प्रोपोर्शनली हो जाएगी ए डैश बी अपॉन ए बी, बी सी डैश बी सी, ए डैश सी डैश अपॉन ए सी, ये क्यों आया, सी पी एस टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बट बाय कंस्ट्रक्शन तो बाय कंस्ट्रक्शन से देखो क्या है, बी बी थ्री अपॉन बी बी फोर, वो रेशो क्या है, बी बी थ्री अपॉन बी बी फोर, तो ये तो थ्री पार्ट है और ये फोर पार्ट है, मतलब थ्री और फोर के रेशो में डिवाइड है वो इस तरह से, और इज इक्वल टू, देखो ये इसके इक्वल है, तो बी सी डैश अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेंगे बी सी डैश अपॉन बी सी हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन से हमने, कंस्ट्रक्शन से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, उसको फाइव और एट के रेशो में डिवाइड किया था, उसमें यही प्रोसीजर था। तो इसको अगर हम लोग इससे ज्वाइन करते हैं, तीन पार्ट है तो ये थ्री, ये फोर पार्ट है तो ये फोर, ये थ्री और फोर, ये थ्री ये फोर के रेशो में डिवाइड हो जाता है,
तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन से ही क्या हो गया, ये इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर अब देखो बी सी डैश बी सी ये 3/4 है, तो ये तीनों 3/4 हो जाएंगे। इसका मतलब ए डैश बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4। ये हमें कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई करनी थी कि उनका रेशो 3/4 ही है।